नमस्कार, इंजीनियर राजीव तावड़े चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं फिर से आया हूँ उडुपी टू मुंबई इस रेस्टोरेंट को, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ था, आज सेकेंड टाइम यहाँ पर मैं विजिट करने आया हूँ। जून का महीना है, जून 2023, और अभी मैं सेकेंड टाइम यहाँ पर आया हूँ फूड एंजॉय करने के लिए। शाम का टाइम है, फिर से रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये जो रास्ता है ये लालबाग परेल एरिया से यहाँ तक आता है दादर तक, और ये सामने से ब्रिज जाता है। यहाँ पे टॉल एक स्काई स्क्रेपर है, और इस तरफ है दादर टीटी का एरिया। सो रोड का लोकेशन रोड पर से मैंने दिखाया रेस्टोरेंट का लोकेशन, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं। आज मैं ग्राउंड फ्लोर के एसी सेक्शन में बैठा हूँ। उस दिन मैं फर्स्ट फ्लोर के एसी सेक्शन पे बैठा था जो ऊपर है, और नीचे का भी सेक्शन मैंने नॉन एसी वाला दिखाया था मैंने पहले वाले वीडियो में, और वहाँ का मेनू भी मैंने दिखाया था, नॉन एसी का मेनू और एसी का मेनू भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है पहले वाले वीडियो में। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड करूँगा। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर का जो एसी सेक्शन है वहाँ पर मैं अंदर जा रहा हूँ। अभी एसी सेक्शन के इंटीरियर्स देख रहे हैं हम, कितना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, सोफ़ा एज वेल एज टेबल, सामने मिरर है। ये अभी सीलिंग का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वॉल पर ये डेकोरेशन है। मैंने सेव पूरी मंगाई है, वो बन रही है तभी तक मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। ऊपर एयर कंडीशन है, तो क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छा है, मेंटेन किया हुआ यहाँ पर। वापस मैं आपको झूमर दिखाता हूँ जो सीलिंग पर है। अच्छा एम्बियंस है यहाँ पर। यहाँ पर पीने के लिए ये जो पानी की बॉटल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, सील पैक बॉटल, हाफ लीटर या 1 लीटर की बॉटल। सेव पूरी बन के रेडी है और आ गई है। साथ में मैंने बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा ग्रीन चटनी चाहिए और इमली की चटनी चाहिए। ये देखिए, ये है सेव पूरी, उसके ऊपर अनार के दाने भी है, उसमें बटाटा है, आलू सेव पूरी में, ये ग्रीन चटनी जो मैंने बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर मंगाया बटाटा वड़ा। पिछले टाइम भी मैं जब भी आया था यहाँ पर तभी भी मैंने बटाटा वड़ा मंगाया था, ये साथ में मैंने एक्स्ट्रा ग्रीन चटनी बोली थी। बटाटा वड़ा अच्छे से फ्राई किया गया है, और यूजुअली ये केले के पत्ते पे सर्व किया जाता है, लेकिन मैंने बोला था कि केला पत्ता नहीं चाहिए मुझे नीचे। तो ये देखिए, साथ में ग्रीन चिलीज़ फ्राई की हुई है, उसको थोड़ा सा नमक लगाया हुआ है, वो रेड चटनी है साथ में, और अच्छे से फ्राई किया हुआ ये बटाटा वड़ा है। पॉजिटिव रिव्यू है मेरा इस बटाटे वड़े के बारे में। फिर मैंने यहाँ पर मंगाया ये डोसा, ये है स्पेशल डोसा, ये है रागी डोसा। रागी मिलेट्स कैटेगरी में आते हैं और मिलेट्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि बटाटा वड़ा भी इनका अच्छा है, तो इसलिए मैंने और एक प्लेट बटाटा वड़ा मंगाया, तो वो भी मैंने एंजॉय किया। ये जो चटनी है इमली की, वो मैंने सेवपुरी के टाइम मंगाई हुई थी, तो वो भी मैंने बटाटा वड़ा के साथ भी एंजॉय की, डोसा के साथ भी एंजॉय की। तो ये सब फूड आइटम्स मैंने एंजॉय किए। फिर मैंने यहाँ पर मंगाई स्वीट लस्सी। स्वीट लस्सी अच्छी है, थिक है, और बनाते समय मैंने बोला था कि इसमें कम शक्कर डालकर बनाएं, तो वैसे ही ये बनाई थी। पॉजिटिव रिव्यू है मेरा इस स्वीट लस्सी के बारे में। आप अलग टाइप की लस्सी भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट लस्सी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर मैंने मंगाई साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी के साथ दिया गया था ये मीठा दही एक कटोरी, और ये देखिए ऐसी है साबूदाना खिचड़ी। ऊपर से कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्तों से गार्निश किया गया है। इस साबूदाना खिचड़ी में आलू है और सेंगदाने भी है। ये देखिए, ये है मीठा दही जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, थिक दही है ये। मेरा पॉजिटिव रिव्यू है इस साबूदाना खिचड़ी के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये मेरी सेकंड विजिट थी, जैसे कि मैंने बोला इस रेस्टोरेंट को, फर्स्ट विजिट थी, उस विजिट का भी वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।